लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग यहीं बैठिए, वो बस आती ही होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप सब लोग उसे एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी मिलेंगे। समझ गए अरुण? ख्याल रखना कि उनकी याद और उनकी सोच 15 साल पहले जहां रुक गई थी आज भी वही। वो आज भी यही समझती हैं कि उनका पति जेल में है, ये मुकदमा चल रहा है, और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे पिंकी और अनु आज भी घर में अकेले हैं। इसलिए कोई ऐसी बात मत करना जिनसे उनको। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, हम देख लेंगे उन्हें, मिल लेंगे, लेकिन आने कहेंगे उन्हें। मुझसे? जी हाँ। गुप्ता जी ने भेजा है आपको? जी, उन्होंने ही भेजा मुझको। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, ये लोग आपका ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे यही परेशानी रहती है। कई बार सोचा कि घर चली जाऊं, लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ, कभी भी केस की तारीख पड़ सकती है, केस इसी शहर में आ गया है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। उफ, इस मुकदमे ने तो हमारे पूरे घर की जिंदगी। मगर मैं 2-1 दिन में चली जाऊंगी, हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं बस 2-1 दिन 2-1 दिन। क्या बताऊं वकील साहब, आधा दिन यहां मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुर्ता रहता है। अरे अरे बेचारी, कौन है ये? चुप हो, क्या हो गया है तुम्हें? होल्ड योरसेल्फ गीता, प्लीज इसे बाहर ले चलो। हॉस्पिटल है ना, किसी को देखने आई होगी। आप गुप्ता जी के साथ वकील हैं? जी, जी हाँ। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। आप क्या समझते हैं, सच बताइए, ये छूट जाएंगे ना? इस तरह क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या आपको लगता है कि नहीं, नहीं, वो कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा आपके पति को, वो निर्दोष है, और निर्दोष को कौन सजा दे सकता है? ओफो, मैं तो समझ रही थी कि आप कहेंगे कि वो अच्छा, मैं चलूं। माँ, अरुण, ये मेरी माँ है गीता, मेरी माँ। 15 बरस से इस पागलखाने में मेरी मां, 15 बरस तक मैं ये भी नहीं जानता था कि ये जिंदा है या मर गई, और आज
पर आज उसे पाया तो इस हाल में। क्या कहूं, वो जिंदा है या मर गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील ठकराल दी क्रेट से बात करना चाहता हूं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूं उसकी फिक्र मत करो, ये बताओ वो कहां है? जी वो साइन क्लब की मीटिंग में गए। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे ये हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राय पेश करूं कि कानून में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत होनी चाहिए कि नहीं। कुछ जज्बाती लोग कहते हैं कि सजाए मौत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जज्बात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास रहा है। मैं हमेशा सजाए मौत का जबरदस्त तरफदार रहा हूं और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी वकालत के इस लंबे कैरियर में आज तक 75 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है। मैं आपसे इस शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा करके बताया है और यही है इनका बड़ापन। कौन कहता है कि ठकराल साहब ने सिर्फ 75 लोगों को फांसी दिलवाई है? गलत, बिल्कुल गलत। उनकी गिनती 75 से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फांसी के तख्ते पर। कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठकराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई और यही है इनका बड़ापन, यही है। शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। इन्होंने मुजरिम और निर्दोष को हमेशा एक आंख से देखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया और जो गर्दन हाथ में आई उसे फांसी का फंदा पहनाए बिना वापस नहीं भेजा। और देख लीजिए, देख लीजिए, 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना ठकराल, एक बात, बेगुनाहों का खून पलट कर अपने कातिल के दामन पर आता है और वो खून तुमसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा ठकराल, और वो हिसाब भाई तुमसे लूंगा। चलो भाई तुमसे लूंगा, तुम्हारे गुनाह से कोई नहीं बचा सकता। रामू, आया बिटिया, जल्दी आओ। रामू, इन तोकियों पे ग्लव चढ़ा के ऊपर वाले कमरे में रख देना। अच्छा हा? बिटिया। और सुनो, सिरहाने पानी का जग भी रख देना। अच्छा अच्छा बिटिया। हेलो, यस, कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा, तो हमारी आवाज भी नहीं पहचानी अभी तक। ओह विक्की, यस योर हाइनेस, क्या तुम कॉलेज नहीं आए और रिहर्सल पे भी नहीं आए डांस के? आई एम रियली सॉरी विक्की, लेकिन क्या ना, मैं आजकल जरा परेशानी में हूँ। अरे परेशान तो हम भी बहुत हैं कोमल, लेकिन तुम्हें हमारा ख्याल ही नहीं। मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। अच्छा विक्की,
मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके बाय। आइए। आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसे आप अपना ही घर समझिए, चलिए। हमारा घर? हमारा घर ऐसा कहाँ? हमारा तो बहुत छोटा सा घर है। वकील साहब, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे ना? जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कभी आप हमारे घर आएंगे तो देखेंगे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अरुण और कोमल। इतनी सी उम्र के बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते वकील साहब। किसी भी उम्र के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, चलिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये रिश्ता ही ऐसा है। पर मैं यही सोचती रहती हूँ, कौन बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता देता होगा, कौन उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करता होगा। खेलकूद में बच्चे खाना पीना ही भूल जाते हैं, पता नहीं ठीक से खाना खाते हैं या नहीं। ये मेरी छोटी बहन कोमल। नमस्ते। अरे, मेरी बेटी का नाम भी कोमल है, उसी की बात कर रही थी। बड़ी जिद्दी है अरुण, फिर भी समझदार है, लेकिन आपकी कोमल तो बहुत सियानी लगती है। कोमल जी, इन्हें ऊपर ले जाओ। चलिए। हाँ चलो। अरे हाँ वकील साहब, आप मेरा एक काम कर देंगे? जी। आते वक्त बड़े डॉक्टर साहब ने मेरे जमा किए हुए पैसे मुझे दिए थे, आप ये किसी तरह मेरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, उन्हें शायद जरूरत होगी। और हाँ, उन्हें कह दीजिए माँ दो एक दिन में वापस आएगी, जरूर आएगी, कह दीजिए। हाँ अरुण। गीता, सुनी तुमने माँ की बातें, देखे तुमने माँ के सपने, उनकी उम्मीदें? आज तक मांग में सिंदूर लगाए जिंदा, जबकि मेरा निर्दोष बाप फांसी के तख्ते पर खत्म हो गया। उस ठगराल की वजह से आज तक हम मुसीबतें झेल रहे हैं। ठगराल।